आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं बात अपने देश की। दोस्तों, चूंकि मुद्दा ऐसा है तो बात अपने देश की ही जरूरी भी है, क्योंकि इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम केवल देश की बात करते हैं। और देश की बात इसलिए क्योंकि अगर देश की बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा और कैसे चीज़ें बेहतर हो सकेंगी, कैसे जनता के मुद्दों की सुनवाई हो सकेगी और कैसे हम उन मुद्दों की बात कर सकेंगे जिनका सीधा सरोकार या संबंध आम जनता से है। तो हमेशा से हमारा मुद्दा है वो देश से जुड़ा होता है। हालांकि वो मुद्दा किसी राज्य का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है, किसी संप्रदाय का भी हो सकता है, व्यापार का भी हो सकता है, निजीकरण का भी हो सकता है, या किसी भी ऐसे मुद्दे का हो सकता है, ऐसी बात का हो सकता है जिसका सीधा सरोकार देश से है। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही है बात अपने देश की। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि इस समय उस मुद्दे पर जोर कर जमकर राजनीति हो रही है। राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि समय चुनाव का है, और जब समय चुनाव का होता है तो राजनीति तो होना लाजमी है, क्योंकि हर बयान को, हर वादे को, हर बात को, हर मामले को केवल और केवल राजनीति का जामा पहनाकर ही देखा जाता है। इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं होती है, क्योंकि अगर अन्य कोई बात होगी तो राजनीति कैसे कहलाएगी। यहां तो पक्ष और विपक्ष में केवल यही चलता है कि बयानबाजी कोई कैसे करेगा, कोई कैसे अपने आप को सत्य साबित करेगा, कोई कैसे अपने आप को बचाएगा। और यहां पर भी जिस तरह से आजकल आयकर विभाग और प्रवर्तन विभाग की छापेमारी चल रही है, उनकी कार्यवाही चल रही है, उस पर विपक्ष की नींद हराम है। और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो छापेमारी हो रही है, ये जो रेड हो रही है आयकर और प्रवर्तन विभाग की, ये चुनाव से प्रेरित है, यानी जानबूझकर, इंटेंशनली, समझबूझकर योजना बना के ये रेडें कराई जा रही हैं, और ये रेडें केवल विपक्ष के लोगों पर हो रही हैं जिससे यही विपक्ष को डराया जा सके। देखते हैं इस पर हमारी रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्यों में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। चाहे रैलियों की बात हो या सभाओं की या चुनावी यात्राओं की, सबका एक ही उद्देश्य है और वो है जनता का समर्थन प्राप्त करना, क्योंकि जनता के समर्थन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन अगर सत्ता की ऊंची कुर्सी पर पहुंचना है तो कुछ अलग भी करना होता है। इसमें कई तरह की कारगुजारियां चलती रहती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए सब जायज है, यानी साम दाम दंड भेद, पर हमारे देश में विरोध तो हर बात का ही होता है, और अगर समय चुनाव का हो तो उस विरोध को केवल और केवल चुनावी जामा पहना दिया जाता है। ২০২২ में देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश में इस समय आयकर विभाग के छापे भी चल रहे हैं। तो वहीं विपक्ष, यानी खास तौर पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि उद्देश्य के चलते उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये कार्यवाही योजना बनाकर कराई जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः प्रदेश और केंद्र की सरकार बौखलाई हुई है, और लगातार प्रदेश में ईडी और सीबीआई और तमाम संस्थाओं को सक्रिय कर दिया है, और जिस तरीके से सपा नेताओं के यहाँ भेजी थी और उनको कुछ हाथ नहीं लगा है, उसी श्रृंखला में कुछ मीडिया के लोग या उनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो तमाम तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जो कानपुर में छापेमारी हुई है पीयूष जैन के, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंसर है, उन्हीं की पार्टी से संबंध रखने वाला है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। इस बार उससे अधिक चंदा मांगा गया,
और उसने चंदा देने से मना कर दिया, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बौखलाहट में कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरीके से उनके प्रवक्ता केशव मौर्या जी, भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल जिस तरीके से लिख रहा है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि जो व्हाट्सएप फेसबुक आईटी इन्होंने यूनिवर्सिटी झूठ की बना रखी है वो लगातार, लेकिन अब ये लाख जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये लाख जतन करें, लेकिन प्रदेश में की जनता ने मन बना लिया है कि प्रदेश में बदलाव निश्चित है। बाईस में देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय आयकर विभाग के छापे भी चल रहे हैं। इसी कड़ी में विपक्ष खास तौर पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये उद्देश्य के चलते सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, ये कार्यवाही सिर्फ योजना बनाकर कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में संविधान और कानून का राज समाप्त हो चुका है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या की जा रही है, विपक्षियों के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का एहसास हो चला है, सरकार में बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास हो चला है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। बदलाव से आशंकित, बदलाव से परेशान, बदलाव से आतंकित जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये उनकी हताशा का प्रतीक है। इस तरह की कार्रवाई जितनी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र में सरकारी एजेंसीज़ का उपयोग विपक्षियों को दबाने के लिए करना लोकतंत्र को कमज़ोर करने के बराबर है, लोकतंत्र को ख़त्म करने के बराबर है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई। चलिए अब बात करते हैं छापों की, पर उससे पहले प्रक्रिया को भी जान लीजिए। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्थाएं आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों पर नजर रखती हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते, टैक्स चोरी करते हैं या विदेशी लेन देन ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों का पूरा इतिहास निकाल कर ये संस्थाएं लिस्ट बना लेती हैं। इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है, फिर उचित समय देखकर ऐसे लोगों के घर, दफ्तर, कंपनी पर रेड मारी जाती है। इससे पहले आयकर आयुक्त यानी इनकम टैक्स कमिश्नर से इजाजत भी ली जाती है। कई बार आयकर विभाग को अपने सूत्रों भेदियों से भी टैक्स चोरी की भनक लगती है। आईटी डिपार्टमेंट सूचना सही निकलने पर अपने गुप्त सूत्रों को इनाम भी देता है। आयकर विभाग की रेड हमेशा ऐसे समय पड़ती है जब व्यक्ति को इसका अंदाजा भी ना हो, संभलने का उसे मौका तक ना मिले। रेड की टाइमिंग अक्सर सुबह या देर रात होती है। छापा डालने वाली टीम अपने साथ एक वारंट भी लेकर जाती है। रेड के दौरान आईटी अधिकारियों के साथ पुलिस और कभी कभी अर्ध सैनिक बल भी उपस्थित रहता है, जिससे किसी अनहोनी को भी टाला जा सके। यह प्रक्रिया 2 से 3 दिन तक चलती है। इस दौरान घर या दफ्तर के अंदर मौजूद लोग बिना आयकर अधिकारियों की इजाजत के बाहर नहीं जा सकते। सबको एक जगह पर बिठाया जाता है। आयकर अधिकारी घर में रखे पैसों, ज्वेलरी इत्यादि को जब्त करते हैं, दस्तावेज तलाशते हैं, लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर को भी कब्जे में ले लिया जाता है। अब बात यहाँ ये आती है कि अगर ये रेड योजना बनाकर की गई है तो केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को ही टारगेट क्यों किया गया, जबकि विपक्ष में तो कांग्रेस भी है, बसपा भी है और आम आदमी पार्टी भी। इनके लोगों के यहाँ छापे क्यों नहीं मारे गए? इससे तो लगता है कि ये छापे किसी योजना के तहत नहीं बल्कि एक प्रक्रिया के तहत मारे गए हैं। पहले ऐसे कारोबारियों का डाटा निकाला जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है जो कि एक पूरी प्रक्रिया है।
पर इन कार्यवाहियों पर विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि ये कार्यवाही चुनाव के समय हो रही है और इस पर तो प्रश्न उठाना लाजमी भी है। पर किसी भी सरकारी प्रक्रिया पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते क्योंकि हर विभाग की कार्यवाही बड़ी गुप्त और योजना के तहत होती है। उस पर कोई नागरिक या पार्टी कैसे प्रश्न उठा सकती है क्योंकि इसमें भी तो हमारे देश की सरकारी मशीनरी ही शामिल होती है। खैर इन आयकर के छापों पर प्रश्न उठाना तो विपक्ष का काम है ही और ऊपर से कारोबारी राजनीतिक दलों से संबंधित भी थे। पर यहाँ वही अगर कोई निर्दोष कारोबारी होता तो क्या राजनीतिक पार्टियां इतना ही बवाल करती? वही जिस तरह से विपक्ष इस पर हल्ला काट रहा है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जिस प्रकार के से इनकम टैक्स के विभाग के द्वारा जो समाजवादी पार्टी नेताओं पर छापेमारी की गई और इसी तरह जीएसटी विभाग ने छापेमारी की और जिस तरह से इन नेताओं के हरबों की संपत्तियां और खासकर नगद धनराशि मिल रही है, बहुत ही भ्रष्टाचार का एक प्रमाण है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा गया, वो सब एकत्र किया हुआ धन है। उसमें ये लोग तो प्यादे हैं, असली किरदार तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जो बौखलाए हुए हैं और इनकम टैक्स विभाग पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मेरा सरकार से मेरी मांग है कि नेताओं की भी जांच होनी चाहिए, कितनी संपत्तियां कैसे इनकी आ गई। एक बार सरकार मानने के बाद जिस तरह से अरबों की संपत्तियां इनके पास बरामद हो रही हैं और जिस तरह से इतना कैश बरामद हो रहा है, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जैसा आचरण था, भ्रष्टाचार और करप्शन उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं इन नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, इनकी संपत्तियों की जांच करके इसको सरकार अटैच करे और क्योंकि गरीब जनता का लूटा हुआ पैसा है वो जनता को मिलना चाहिए। वहीं इन छापों को देखकर कहीं ना कहीं सरकार पर भी अब सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से ये छापेमार कार्यवाही हो रही है, इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है जो देश के विकास में ही काम आता है। अब आगे कितनी रेड होंगी, कितनी कार्रवाई होगी ये तो नहीं पता, पर चुनाव के समय इस तरह से कार्रवाई के कारण प्रश्न उठता ही है कि चुनाव के समय ही क्यों। और अभूत में ऐसे हजारों कारोबारी हैं जो टैक्स में लगातार चोरी करते आए हैं, वो भी आयकर विभाग की जद में आएंगे या फिर किसी चुनाव का ही वो इंतजार करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से क्या दृष्टिकोण रहा, कैसे पार्टियां अपना अपना पक्ष बता रही हैं। कोई बता रहा है कि जानबूझ की कार्रवाई की जा रही है, कोई बता रहा है कि अघोषित संपत्ति जब्त की गई है अरबों में है, और कोई कह रहा है कि अब इन नेताओं को जो प्रश्न उठा रहे हैं इनकी भी छापे मारे जाने चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए कि ये इतनी इनकी संपत्ति कहां से आ गई है, क्योंकि नेताओं के साथ भी अघोषित संपत्ति होती है और पहले भी ये देखा गया है कि जो लोग भी यहां पर छापे मारे गए वो नेता ही तो थे। भाई समाजवादी पार्टी के जो कई नेता हैं उनके छापे मारे गए, चाहे वो मऊ से हों, चाहे मैनपुरी से हों, बेंगलुरु से हों, कलकत्ता से हों, दिल्ली से हों, लखनऊ से हों, और संपत्ति भी मिली। और जिस तरह से कानपुर में इतने कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ बड़ी संख्या में बड़ी राशि मिली है वहाँ पर, जिसके लिए तमाम लोग लगाए गए, मशीनें कम पड़ गई, बाद में SBI के कर्मचारी भी बुलाए गए नोट गिनने के लिए, अभी तक का जो आंकड़ा है वो लगभग 180 करोड़ की संपत्ति जो कि कैश बरामद हुई है, जो चोरी की गई थी टैक्स के माध्यम से, टैक्स नहीं दिया, वो एक प्रकार से नकदी जमा थी।
अब उस नकदी का क्या उपयोग होना था किसी को नहीं पता। फिलहाल आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस राशि को जब्त कर लिया है। 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई चल रही थी और जिसमें कल इतने कारोबारी के यहाँ छापा मारा गया और कल भी जांच चली, आज भी जांच चली और गिनती जारी थी। 180 करोड़ की नकदी बरामद की गई वहां पर आयकर विभाग और प्रवर्तन विभाग द्वारा। अब विपक्ष इस पर हंगामा मचा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों चुनाव के समय ही ऐसा हुआ। पर अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस जज से बाहर हैं, क्योंकि टैक्स चोरों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल गिने चुने लोग हैं, और खास तौर से अगर व्यापार का राजनीति जो गठजोड़ है वो इस माध्यम से बेनकाब भी हो रहा है तो ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि राजनीति व्यापार हो चुकी है और साथ ही साथ बड़े बड़े इस मामले में खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 800 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है इन 4-5 दिनों के छापों के द्वारा। वहीं विपक्ष कह रहा है कि आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी तरह चुनावी है, चुनाव में हमको परेशान किया जा रहा है, इसके लिए हमारे लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं और लगातार इन छापों पर बवाल चल रहा है कि छापे क्यों हो रहे हैं चुनाव के समय। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर छापे हो रहे हैं तो उनसे कष्ट क्या है, और कई ऐसे बड़े बड़े व्यापारी कारोबारी हैं जो अब भी चंगुल में नहीं आए हैं, जिनका नाम अभी भी बड़े टैक्स चोरों में शामिल है। पर चूंकि ऐसे सूत्र नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं है, ऐसा डाटा नहीं है, ऐसी साक्ष्य नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाए, और वो बच के चले जाते हैं। भैया कानपुर की बात करें तो कानपुर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी माना जा सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कानपुर में है, तो वहां पर तो ऐसे जाने कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो देश के राजस्व को चूना लगा रहे हैं और टैक्स चोरी कर रहे हैं। ये मामला केवल केवल इतने कारोबारी का नहीं है, ये मामला ऐसे तमाम लोगों का हो सकता है अगर आयकर विभाग एक गंभीरता के साथ जांच करेगी। वैसे तमाम ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जिनके पास करोड़ों में अघोषित संपत्ति है, जो बताते मेरे पास कुछ नहीं है, उनके पास अघोषित आय है, उनके पास अकाउंट्स भी हैं, उनके पास निवेश भी है, उनके पास तमाम जगहों पर एक प्रकार से अचल संपत्ति भी है। पर वो अचल संपत्ति उजागर तब हो सकती है जब आयकर और प्रवर्तन जो निदेशालय प्रवर्तन विभाग है वो इन पर कार्रवाई करे। विपक्ष लगातार ये हंगामा कर रहा है कि चूंकि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे इसीलिए हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, हमको चुनाव में डराने के लिए कार्रवाई की जा रही है, ऐसे एक बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा आए हैं। क्योंकि साफ तौर पर कहा गया कि वो जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं, कोई प्रवक्ता है, कोई बड़ा नेता है, कोई पूर्व नेता है, पर कहीं ना कहीं उनका संबंध समाजवादी पार्टी से रहा है। पर अगर समाजवादी पार्टी ही विपक्ष है तो अन्य पार्टियों क्या, कांग्रेस का क्या, आम आदमी पार्टी का क्या, ओबीसी जी की पार्टी का क्या, प्रसपा का क्या, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कमर कस ली और तैयारी कर रही हो, मेहनत कर रही हैं, यात्राएं निकाल रही हैं, रैली निकाल रही हैं, सुभाषपा भी निकाल रही है, तमाम ऐसे दल हैं जो अपने अपने संगठनों को मजबूत करके जनता के बीच जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। विपक्ष का प्रश्न उठाना लाजमी है क्योंकि कार्रवाई चुनाव के समय ही हो रही है। पर मैं आपको बता दूं इस तरह की कार्रवाई पहले भी होती रही है, क्योंकि भारतीय व्यवस्था के अनुसार जो आदमी के अकाउंट्स का जो पालक होता है, जो क्लोजिंग होता है, वो मार्च में होता है, और चूंकि अब मार्च आने में महज 2-3 महीने बाकी हैं, तो इस तरह की कार्रवाई पहले भी होती रही है, कार्रवाई पहली बार नहीं है। पर चूंकि इस समय चुनावी बिगुल बजा हुआ है, लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इन कार्रवाइयों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पर उसके पीछे भी वजह यह है क्योंकि सारे लोगों का जुड़ाव किसी राजनीतिक पार्टी से था, पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए एक जो प्रश्न उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनावी समय चल रहा है। विभाग कार्रवाई करता रहता है, जानकारी जुटाता रहता है, डाटा निकालता है, साक्ष्य अर्जित करता है, उसके बाद कार्रवाई करता है। क्या कोई ऐसा साक्ष्य रहा हो जो ना मिला हो, क्या अघोषित संपत्ति नहीं मिली? अगर आयकर विभाग ने कार्रवाई की और उनको कुछ नहीं मिला तो ये विपक्ष का प्रश्न उठाना जरूरी है और लाजमी भी है। पर यहां पर आयकर विभाग को अघोषित संपत्ति मिली,
वो संपत्ति मिली जो अघोषित थी, जिसका कोई लेन देन का हिसाब नहीं था, और वो संपत्ति जो करोड़ों में है, जो महज लाख में नहीं है, हजार में नहीं है, करोड़ों में है और सबके सामने दिख रही है, जिसके लिए मशीनें बनाई गई, जिसके लिए SBI बैंक के कर्मचारियों को गिनने के लिए बुलाया गया, तो बड़ा प्रश्न है। अगर कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई में कुछ पकड़ा भी गया है, इसलिए इस पर प्रश्न उठाना न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से गलत है। अगर नहीं मिलता तो आप बिल्कुल बोल सकते थे कि हाँ, हमारे ऊपर जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, पर यहां तो कोई ना कोई तो पकड़ा ही गया है, और पकड़ने के साथ साथ संपत्तियां भी बरामद हुई है, बिना किसी उसके जानकारी के अघोषित आय राशि, ऐसी राशि जो जनता की है, वो जनता जो आज भी सड़कों पर ठंड में जीने पर मजबूर है, वो जनता जो आज भी महंगाई की मार को झेल रही है, वो जनता जो आज भी टैक्स देती है, वो जनता जो आज भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलती है और सरकार की हर योजना में सहयोग करती है, सरकार की हर व्यवस्था में पालन करती है, पर वहीं पर इस तरह से जो कारोबारी हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं और अघोषित संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, उनके साथ अगर इस तरह का सहयोग किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या गलत हुआ? विपक्ष परेशान हो रहा है, विपक्ष क्वेश्चन उठा रहा है, विपक्ष प्रश्न कर रहा है कि ऐसे चुनावी समय, अरे चुनाव का समय तो अलग बात है, महीने तो वही चलते हैं, चुनाव का समय आया है वो प्रश्न अलग है, पर कार्रवाई में जो पकड़ा जा रहा है वो भी तो साफ साफ दिख रहा है, अघोषित आय नजर आ रही है, संपत्ति नजर आ रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो खुलासे होते हैं, उससे हमारे देश को राजस्व भी तो मिल रहा है, वो राजस्व मिलता है जो देश के विकास में काम आता है, वो राजस्व मिलता है जो आधारभूत ढांचे में काम आता है, वो राजस्व मिलता है जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी तमाम जो मामले होते हैं उनमें देश को आगे बढ़ाया जाता है, तो राजस्व भी तो देश की आय है। अगर राजस्व मिल रहा है तो उसमें प्रश्न उठाना कौन सी बात है? क्यों आप चुनाव के नाम पर प्रश्न उठाते हैं? अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई से डर क्यों रहे हैं? अगर आपके नेता, आपके लोग, आपके कारोबारी सही हैं, निर्दोष हैं, तो आप सामने आइए और खुल के उनका समर्थन कीजिए, पर अगर आपके नेता, आपके कारोबारी और ऐसे लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, अघोषित संपत्ति रखते हैं, उनके खिलाफ कैसा जनसमर्थन, उनके खिलाफ कैसा राष्ट्रीय समर्थन, और कैसे उनके खिलाफ कैसा राजनीतिक सद्भाव और सद्भावना और सहानुभूति, जो दिख रहा है उससे हम कैसे मुंह मोड़ लें? क्योंकि अगर रेड हुई है तो वो सबके सामने हुई है, रेड हुई है तो अंधेरे में नहीं हुई है, अगर छापा मारा गया है तो उसका एक डाटा भी निकाला गया है, अगर छापे कार्रवाई हो रही है तो उसकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं, और तस्वीरें आम जनता भी देख रही है, तो अगर हम इस जगह पर अपना सद्भाव दिखाते हैं, समर्थन दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। हाँ, चुनाव के समय कार्रवाई हो रही है, इस पर प्रश्न उठना लाजमी है, पर कार्रवाई पर प्रश्न उठना लाजमी नहीं है। देश में संवैधानिक प्रक्रिया है, और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक न्याय प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के तहत ही यहाँ पर एक कार्रवाई हो रही है जो कि आयकर विभाग और प्रवर्तन विभाग कर रहा है। पर एक प्रश्न यहाँ पर मेरा द्वारा उठाने जा रहा वाला है कि ये कार्रवाई केवल की जद में केवल ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं जिनका सीधा जुड़ाव राजनीतिक दलों से है? अन्य पार्टी क्यों नहीं आती? सत्ता से जुड़े लोग क्यों नहीं इसमें पकड़ में आते हैं? ऐसे लोग क्यों पकड़ में नहीं आते जो अभी जद से बाहर है, जो बड़े स्तर पे अघोषित संपत्ति रख रखे हैं और राशि जो है नकदी रख के रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं? पर आज भी ये प्रश्न है कि कब उन लोगों पर कार्रवाई होगी, कब ये कार्रवाई राजनीतिक चीज को हटा के केवल केवल देश को राजस्व दिलाने के लिए की जाए, और जिसकी जद में जो भी आए वो देश का केवल केवल अपराधी है, वो देश के लिए केवल केवल नुकसानदेह है, और नुकसानदेह जो होता है और अपराधी जो होता है और जो इस तरह के काम करता है और राजस्व का चूना लगाता है, मेरी नज़र में वो देश का गुनाहगार है, और गुनाहगार के साथ किसी तरह का समर्थन और सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, उसके साथ केवल एक ही सलूक होना चाहिए, वो है कार्रवाई का जो आयकर विभाग और परिवर्तन विभाग कर रहा है और लगातार आगे भी करता रहेगा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही, अगली बार किसी बड़े मुद्दे के साथ फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे यानी गौरव को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।